फ्रेंड्स डॉक्टर रंजन हेयर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आई स्वेलिंग के बारे में अगर आपके पास डॉग है और उसको आंखों में अचानक से स्वेलिंग हो गई है रेडनेस हो गई है तो क्या करें मैं बहुत ज़्यादा कारण के पीछे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो आपके वेट डायग्नोस करेंगे लेकिन ऐसा जनरली एवियाटिस में होता है जिसमें आँखों में अंदर से कोई इन्फेक्शन हो वायरल इन्फेक्शन हो या कोई ट्यूमर हो कैंसर हो या कंजक्टिवाइटिस हो रहा हो कोई डस्ट एलर्जी हो रहा हो कोई फॉरन बॉडी चला गया हो घुमाते हुए कभी कोई पत्थर छोटा सा टुकड़ा लग गया हो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं जिसमें आई में इन्फ्लामेशन हो जाता है कैन डिस्टम्बर के, के, के केसेज है कोई हर्प वायरस का केसेज है और एनी वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या आईलिट्स में कोई ट्यूमर हो एलर्जी हो उसमें कोई अल्सरेशन हो तो इस प्रकार से मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से आपके डॉग्स के आई में इन्फ्लामेशन हो सकता है और उसमें स्वेलिंग हो सकती है वो कभी कभी ब्रिक रेड कलर का दिख सकता है तो अगर ऐसा आपको डॉग में है तो इसको घर पर मैनेज कैसे करें सबसे पहले तो यू you नो know, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है ब्लीडिंग हो रही है अल्सरेशन हो तो इमीडिएटली वेट के पास ले जाए लेकिन जब तक आप वेट के पास ना जाते हैं तब तक क्या करें वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले तो आई को क्लीन करना है क्लीन कैसे करें नॉर्मल सलाइन सिंपल सा आप केमिस्ट के यहाँ जाएँ एक नॉर्मल सलाइन का सोयामल का पानी आ, ले लें आप पॉइंट नाइन परसेंट होता है वो वो नॉर्मल सलाइन ले आएँ और उसके आँखों को आप अच्छे से वॉश करें अच्छे से वॉश करें दो चार मिनट तक ताकि अगर कोई फॉरेन बॉडी हो कोई भी एलर्जन हो वो आँखों से निकल जाए और एक दिन भर में दो से तीन बार आप रिपीट कर सकते हैं तो याद रखें दोस्तों नॉर्मल सलाइन आई वॉश दूसरा अगर कोई एंटीसेप्टिक हल्का सा प्रिपरेशन आप बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल सलाइन के साथ ही बना सकते हैं आप नॉर्मल सलाइन लें उसमें वो आधा लीटर का नॉर्मल सलाइन लें आधा लीटर नॉर्मल सलाइन उसमें वन फोर्थ स्पून ऑफ बॉडी कैसेड पाउडर डालें अगर वन फोर्थ ऑफ स्पून ऑफ बॉडी कैसेड पाउडर डालते हैं तो वो हल्का सा एंटीसेप्टिक सेप्टिक हो जाता है और उससे आप अपने डॉग के आँखों को दो से तीन बार दिन भर में वॉश करें उससे हल्का फुल्का अगर इन्फेक्शन होगा तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा अगला स्टेप में फ्रेंड्स अगर स्वेलिंग है तो आप ये कर सकते हैं कि एक साफ कपड़ा लें स्टाइल साफ कपड़ा लें हल्का सा गुनगुना पानी जो मतलब आ, आप आपकी आप बर्दाश्त कर सकते हैं जलन ना हो उससे कपड़े को गुनगुने पानी में डालें और आंखों पे पाँच से दस मिनट के लिए दिन भर में दो बार सेकाई करें उसकी फॉर्मेंटेशन करें तो हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन एलोंग विथ नॉर्मल सन वॉश अगेन कपड़े को पाँच से दस मिनट रखें और कपड़ा इतना गर्म ना हो जिससे कि उसकी आँखों में जलन पैदा हो थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स कि आप घर पे ज़्यादा इलाज ना करें क्योंकि आई बहुत ही सेंसिटिव होता है इसमें कभी क्लोडीनस हो सकता है ग्लोकोमा हो सकता है तो ये सारे स्टेप अगले एक दिन या दो दिन करने के बाद भी आपका पेट का आंखों में स्वेलिंग नहीं जाता है रेडनेस नहीं जा रहा है तो इमीडिएटली अपने वेट के पास ले जाएँ और उसको प्रॉपर डायग्नोस और चेकअप कराएं मीन घर से अपने वेट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके एडवाइस पर कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या एंटी एलर्जिक ड्रॉप उसकी आँखों में दिन भर में तीन से चार बार डाल सकते हैं और कभी भी मैं आँखों में जो आई डाल हैं, वो एक बूंद से ज्यादा ना डालें जनरली ये चार बार डालें और एक बूंद से ज्यादा नहीं डालें और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने डॉग के न्यूट्रिशन का आप ख्याल रखें जनरली क्या होता है कि बहुत बड़ा विटामिन ए वगैरह की डिफिशेंसी होती है जिसकी वजह से भी आंखों में ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमेशा न्यूट्रिशन और अच्छे डाइट का ध्यान रखें अपने डॉग के आई में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी